कुछ दिन पूर्व थाना भोगांव क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय जो कि कुलीपुर गांव में पड़ता है, जिससे दिनांक 9 अप्रैल की रात को चोरी की घटना हुई थी। मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और 3 आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद माल बरामद किया एवं माल को विद्यालय टीचर को दिखाकर उसकी पहचान करवाई। पहचान होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया, जिसकी जानकारी आज थाना भोगांव के अंडर ट्रेनिंग चल रहे क्षेत्राधिकारी आशुतोष ने दी। आज से कुछ दिन पूर्व एक विद्यालय में चोरी का मामला आया। क्या मामला है? थाना भोगांव क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय कुलीपुर में 9-10 अप्रैल 2021 की रात में चोरों ने वहाँ पे सेंध लगा के चोरी कर ली थी और थाना भोगांव द्वारा कल चेकिंग के अभियान रुई मेला के सामने अलाउ रोड पर ये सूचना मिली कि एक सफ़ेद रंग की ओमनी कार उधर जा रही है। पुलिस बल ने उसको घेर कर उसको रोका। उसमें 3 व्यक्ति बैठे थे, उनके साथ में कुछ सामान था। देखा गया तो वही सामान था जो प्राथमिक विद्यालय कुलीपुर से चोरी गया था और उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम गौरव राजपूत है उसके पास से एक 315 बोर की देसी तमंचा और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। इनके साथ ओमनी कार में विद्यालय से चोरी हुए सामान में कुछ बेच दिए थे, कुछ था इनके पास जिसमें एक भगोना है वो सिल्वर का और एक प्लेट एक गैस चूल्हा है। और बाद में पूछताछ में पता चला इसके पहले इन्होंने 1-2 चोरियाँ और की थी जिसका भी खुलासा हुआ। इनको अभी न्यायालय भेजा गया।